हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशु और चलते हैं तुंगनाथ चंद्रशिला की वादियों में। तुंगनाथ महादेव पंच केदार में से एक और केदार जो तीसरा केदार है तुंगनाथ महादेव। तो चलिए। चोपता वैली उत्तराखंड, बहुत ही ब्यूटीफुल। और चोपता से ही स्टार्ट होता है तुंगनाथ का ट्रैक, चोपता वैली से ही, वहीं से। और तुंगनाथ से आगे हैं चंद्रशिला। ट्रैक थोड़ा छोटा है, 5 किलोमीटर है तुंगनाथ, और वहाँ से 2 किलोमीटर आगे चंद्रशिला। तो गाइस, अगर आपको आना है चोपता, तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपको आना होगा देहरादून, देहरादून से ऋषिकेश, उसके बाद निकलेंगे श्रीनगर हाईवे पे, उसके बाद रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग से आगे जाके 2 हाईवे मिलेंगे। एक जाएगा केदारनाथ, केदारनाथ वाला जो कि गुप्तकाशी जाएगा, गुप्तकाशी केदारनाथ, और दूसरा जाएगा चोपता बद्रीनाथ। तो वहां से आप आ सकते हैं। तुंगनाथ महादेव, भोले बाबा का दुनिया में सबसे ऊंचा हाईएस्ट मंदिर, मंदिरों के हिसाब से, कैलाशों के हिसाब से नहीं, लेकिन जो गाइस पहाड़ों के रंग है ना, अपने आप में अलग ही है। पहले आते हैं ना रंग बिरंगे पेड़ पौधे, ग्रीन पूरा, और उसके बाद पेड़ पौधे थोड़े कम होते जाएंगे, फिर चट्टाने, और उसके बाद सफ़ेद बर्फ़ से लदे पहाड़। और जब ये चीज़ आप देखते हो ना एक साथ, इतना सुंदर लगता है, इतना अट्रैक्टिव होता है ना, अब बार बार आना चाहते हो यहाँ पे। तो गाइस, तुंगनाथ का ट्रैक है 5 किलोमीटर का, सीधा रास्ता है, सीधा रास्ता बना है, खच्चरें भी जाती है, पर अगर आप खच्चरों पे जाना चाहें, लेकिन 5 किलोमीटर तो ट्रैक कर ही सकते हैं। बहुत सुंदर नज़ारे। लेकिन गाइस, अगर आप समर टाइम में आएंगे ना, तो जो पहाड़ियाँ आपको दिख रही है पूरी ग्रीन दिखेगी, ग्रीन घास। अगर आप उस चीज़ के ज़्यादा फैन हो तो आप समर टाइम में आ सकते हैं, जब ये मंदिर खुलता है। अभी आ सकते हैं विंटर से पहले, लेकिन आप विंटर में भी आ सकते हैं, उस टाइम मंदिर तो बंद रहता है, लेकिन आप आ सकते हैं, क्योंकि रोड से ट्रैक छोटा है, रोड से थोड़ा नज़दीक है, आना जाना हो सकता है। आपको तैयारियाँ अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है। यहाँ के लोकल लोग चलते रहते हैं, कोई बाहर से भी आते हैं ट्रैकर जिनको बर्फ बड़ा पसंद है। अगर आप बहुत तेज चलते हैं ना, तो आप एकदम से शॉर्टकट मार दो। ट्रैक का क्या रहता है, अगर आप बिल्कुल सीधे चलोगे ना, तो जितना सीधे चलेंगे उतना ज़्यादा आपको जो डिस्टेंस है ना, उतना कम कवर करना पड़ेगा। टेढ़े मेढ़े चलोगे तो उतना ज़्यादा कवर करना पड़ेगा और आप ज़्यादा थकोगे। तो दोस्तों, हमने दर्शन कर लिए थे, बहुत ही सुंदर दर्शन, बहुत ही सुंदर शिवलिंग है। अंदर जाने नहीं देते क्योंकि गाइस कोरोना टाइम चल रहा है, बाहर से ही आपको दर्शन करने होंगे। अंदर सिर्फ पंडित जी जाते हैं, जो कि सुबह और शाम को आरती के टाइम जाते हैं। मंदिर बहुत सुंदर है, सारे मंदिर ना ये एक से हैं देखने में, जैसे केदारनाथ, मधमेश्वर, तुंगनाथ, कल्पेश्वर और रुद्रनाथ मैं गया नहीं हूँ, लेकिन जो ये 3 मंदिर है ये सब एक से हैं देखने में। इनका स्ट्रक्चर और जो ये इनकी जो शेप है, एक से हैं देखने में, और बहुत सुंदर है गाइस, बहुत ज़्यादा सुंदर। यहाँ आके फील होता है, बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। तो ये पंच केदार है, हम लोगों ने 3 केदार कर चुके हैं और बाकी बचे 2 केदार अभी हो नहीं पाएंगे, क्योंकि अब बंद होने वाले हैं ये मंदिर। और बाकी बचे केदार हम नेक्स्ट ईयर जब ये खुलेगा 6 महीने बाद, तब कर पाएंगे। और ये चंद्रशिला पीक से गाइस बहुत सुंदर नज़ारे हैं। ये देखो, चारों तरफ मैं कैमरा किया था, चारों तरफ बहुत सुंदर, बहुत सारी पीक्स दिखती हैं यहाँ से। नंदा देवी पीक भी दिखती है, मैं दिखाऊंगा आपको। तो गाइस, तुंगनाथ की जो कहानी है वो भी केदारनाथ से मिलती है।
जैसे मैंने बताया था आपको मध्यमेश्वर की कहानी कि शिव का वहाँ मध्य भाग गिरा था, तो शिव पांडवों को पूरे शरीर के दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए ये जो जगह जगह पांच केदार हैं, हर जगह शिव का कोई ना कोई स्वरूप है, इसीलिए पांडवों को हर जगह आके शिव के दर्शन करने पड़े और तब जाके उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो जो तुंगनाथ है ये तृतीय केदार है, यहाँ पे शिव का हृदय मतलब दिल और जो बाजुएं हैं भुजाएं वो यहाँ पे उसके रूप में यहाँ पे तुंगनाथ बाबा को पूजा जाता है। और ये चंद्रशिला, यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ श्री चंद्रमा जी ने तपस्या की थी। और ये सामने नंदा देवी पीक, बहुत ही सुंदर। तुंगनाथ का जो ट्रैक है वो एक दिन में आना जाना हो जाएगा आराम से, 6-7 किलोमीटर का ट्रैक है तो वो हो जाएगा। गाइस आप खुद आओ, खुद एक्सपीरियंस करो यहाँ के नज़ारे, दर्शन करो भोले बाबा के और मस्त हो जाओ। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि बहुत जल्दी दूसरी वीडियो भी लेकर आऊँगा अपने घर पर, क्योंकि विंटर्स आ रही है तो मैं आपको अपना घर भी दिखाऊँगा और मेरे घर पर काफ़ी बर्फ़ पड़ती है वो सब भी दिखाऊँगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, धन्यवाद।